जो दुबई जाने से पहले जो पूरा घर का सामान भर गया। झूठ ना बोलिए सारे, झूठ ना बोलिए सारे। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है मोटो खबरी और आज भी मेरे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एनीवेज, बढ़ते हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो की आ रही है ड्रैगर Z900 की साइड से। तो आपको पता होगा की ड्रैगर Z900 की पास में UK07 राइडर के साथ बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है। एंड इनके न्यू व्लॉग में इन्होंने मॉकिंगली किसी डॉग को UK07 राइडर बोला है। और भाई यूके भाई हमारे नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। तो आमिर माजिद अपने न्यू व्लॉग में बताया कि उनकी दोनों बाइक्स पुलिस ने सीज कर दी है। जब वो परसों सुबह अपने अपार्टमेंट्स में जा रहे थे तो जेके ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ उनकी बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। मैं आईडी कार्ड भी दिखा रहा हूँ, फिर भी नहीं जाने दे रहे। भाई मैं आपको आईडी कार्ड दिखा रहा हूँ, आप मेरे को लगाने दोगे? मैं कह रहा हूँ मैं वहाँ लगा रहा हूँ, आप लगाने तो दो मेरे को, गाड़ी नहीं लगाने दे रहे हो यार। लगाने दो ना गाड़ी मेरे को, मैं लगाता हूँ। मैं आपको आईडी कार्ड दिखाता हूँ, उस साइड नहीं लगा सकता, मैं रॉन्ग साइड हो जाऊंगा सर। आपको मेरा आईडी कार्ड चाहिए ना। एंड आपको पता होगा कि आमिर माजिद ने अपनी KTM RC 390 का नाम बिलोरा नहीं रखा था। एंड आलियान राइडर ने भी अपनी KTM RC 390 का नाम बिलोरा नहीं रखा था, जिसपे बाद में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी पास्ट में। तो आलियान राइडर ने आमिर माजिद के आज वाले ब्लॉग में बताया कि असली बिलोरा नहीं किसकी थी। अली आता था भाई, एंड अली बोलता था ओए उठ जा चल ब्लॉग बनाने चलते हैं। अलियान एक बात होता, बिल्लो रानी किसका नाम है? मेरी बाइक का नाम है भाई। दो बिल्लो रानी है, एक बिल्लो रानी हमारे पास है, एक बिल्लो रानी अलियान के पास है। अलियान की बिल्लो रानी जो है वो 2.0 है, एंड ये हमारी वाली बिल्लो रानी है, ये वाली 2.0 है अलियान की बिल्लो रानी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जानू स्टंट्स के बारे में। जानू स्टंट्स ने अपनी ZX10R की बाइक मॉडिफिकेशन रिवील कर दी है, जो की बहुत ही ज्यादा सही है। दुनियादारी चो जो तराश बन दे, अपने रख विश्वास बन दे, होए आज चेहरे पे मिले खास बन दे। एंड अभी दत्ता व्लॉग्स की साइड से अभी एक वीडियो आउट हुआ जिसमें मानिक अत्री की कार क्रैश हो गई थी। यार ये देखो मानिक भाई का आते आते यार गाड़ी लग गई थोड़ी सी। तो भाई यार मतलब मानिक भाई कैसे लग गई है? कोई बात नहीं, करा लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं द वाइल्ड वुल्फ के बारे में। तो आपको पता होगा जब से ये श्वेता के साथ व्लॉग बनाना शुरू करे हैं, इनको बार बार थ्रेट्स आते हैं। एंड इनके कल के व्लॉग में इनकी फ्रेंड श्वेता ने इस चीज पर रिएक्ट करा है। अभी मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मतलब तुम्हें भी धमकियां आ रही हैं। हाँ। मुझे भी आ रही है, मुझे कमेंट करके लोग बोलते हैं, तुम्हें क्या बोलते हैं? मुझे भी जो भी है मेरे मोहल्ले वाले लोग आए हैं यार भाई, बोलते हैं कि तेरे लिए ना मतलब लोगों ने फील्डिंग सेट करके रखी है इसके मोहल्ले में कि भाई तू इसको पिक करता है, तू लड़की को उठा के लेके जाता है वहां से, मतलब कुछ इस तरह की बड़ी बातें कि तुझे मार देंगे जान से, ये सारी बातें। और इस लड़की के लिए भी उल्टी सीधी मतलब धमकियां दी है लोगों ने। अब मैं ये चाहता हूं कि हमारे मुझे क्या बोल रहे थे कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह है ना, उनकी रैली निकलती है, उस टाइम पे तुझे हम गोली मारेंगे, अगर तेरी औकात है तो तू बच लेना, खुद को बचा लेना। मतलब ये क्या मतलब गोली मारने की धमकी देते हैं, उस दिन हम तुझे गोली मारेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो उनको जो धमकी आ रही है वो एकदम गलत चीज है। द वाइल्ड वुल्फ ने अपने चैनल पे कभी भी कोई वल्गर या इनअप्रोप्रिएट चीज नहीं दिखाई है, जिससे आई गेस किसी को ऑब्जेक्शन हो। एंड भाइयों याद रखना कि जम्मू में ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो भी ग्रो कर रहे हैं, एंड वाइल्ड वुल्फ उनमें से एक है। एंड अगर कल को वो भी ग्रो कर जाएंगे बाकियों की तरह, तो कहीं ना कहीं वो भी रिप्रेजेंट करेंगे हमारी स्टेट को। सो भाइयों बेटर कि आप हेट से ज्यादा उनको सपोर्ट दिखाओ, अगर वो कुछ गलत करेंगे इन फ्यूचर वो मैं आपको इस चैनल पे पक्का दिखाऊंगा भाई। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आमीन बट व्लॉग्स के बारे में। तो इनकी सारी कंट्रोवर्सी मैंने अपने लास्ट वीडियो में मेंशन करी है, जो कि आप देख सकते हो। एंड आपको पता होगा कि जी व्लॉग्स की साइड से एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि वो आमीन बट पे पुलिस कंप्लेन करवाएंगे। एंड आमीन बट के लास्ट वीडियो में उन्होंने काउंटर करा है उनको। सामने मैंने स्टोरी लगाई है, अब स्टोरी देख लो, पढ़ लो क्या लिखा है उसने। बोरी है भाई, मैं लीगल एक्शन लूंगी, पुलिस कंप्लेन कराऊंगी, ऐसा वैसा। उसने अपने ब्लॉग में भी बोला कि मैं कंप्लेन करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतनी सी बात पे कौन कंप्लेन करता है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ किसी को, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मुझे बस इतना बोलो कि इतनी छोटी सी बात पे कौन सी कंप्लेन भाई। अगर ज्यादा ही है भाई कंप्लेन करने का शौक तो कर लो भाई कंप्लेन, उसके बाद मैं भी देख लूंगा। अगर उनको कंप्लेन करने आती है तो मुझे भी कंप्लेन करने आती है। सो इसके बाद अरसलान जहन की साइड से एक इंस्टाग्राम स्टोरी आई जिसमें उन्होंने वाइल्ड वुल्फ और आमीन बट को पोक करते हुए कुछ ऐसा बोला है, अब कुछ है नहीं बनाने को तो फेक कॉन्ट्रोवर्सी ही कर लो, यही सही है। ये कंटेंट के नाम पर क्या क्या करने वाले हैं, एक सिंपथी ले लेके थक गया और दूसरा धमकी दे देकर। नेक्स्ट हम लोग फिर से बात करने वाले हैं मानिक अत्री के बारे में। तो आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी ZX10R सेल कर दी थी, एंड इतना तो सबको पता कि वो फिर से एक न्यू सुपर बाइक लेने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करते हुए वो कुछ ऐसा बोले, तो गाइस देखो मैं आपको बताता हूं, बाइक तो सुपर बाइक तो तुम्हारा भाई लेगा ही लेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट गाइस कौन सी लूं ये मैं कंफ्यूज हूं, हम दोनों के माइंड में जो चीज आ रही है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और आप लोग कमेंट
कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि हमें दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सबसे पहली Z900 ब्रांड न्यू की बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो मैं Z900 ब्रांड न्यू लूँ तो इसके लिए कमेंट करो। और जो हमने सेकंड बाइक सोची है वो मैंने सोची हुई है Z1000, क्योंकि आपको पता है भाई Z1000 न्यू तो मिलेगी नहीं, सेकंड हैंड ही मिलेगी। तो गाइस मेरे लिए कंफर्टेबल भी ये दोनों बाइक है। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले जानू स्टंट्स के बारे में। तो अभी उनकी साइड से एक व्लॉग आउट हुआ जिसमें उन्होंने अपनी बाइक मॉडिफिकेशन रिवील करी है। भैया ने बहुत मेहनत से बनाई है, बाकी किसने भी रैप कराना हो नंबर बोल दो अपना 7006151790। तो किसने भी बाइक करवाना हो तो भाई जरूर करना। कैसी लगी बाइक? नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो आपको पता होगा कि वो एल्विश यादव की सपोर्ट में एक सॉन्ग आउट करने वाले थे सिस्टम, जो कि अभी उन्होंने रिलीज कर दिया। एंड अभी अगर मैं चेक करूं तो इस पे 7,50,000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी सिर्फ 3 hours में। तो भाई ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं को नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।